हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी अलवर के द मोस्ट फेमस द होप सर्कस पे। इसको बनाया था यहां के राजा ने, वो भी लेडी होप की याद में। लोग यहां पर अपनी आस्था से आते हैं, पूजा पूजन करते हैं। शुरुआत करते हैं, इस मंदिर पे घूमते हैं, देखते हैं शिव जी का मंदिर कैसा है। जय हो दे। सर्कस वही हिस्सा है जहाँ से पूरा अलवर साफ दिखाई देता है। ये एक गोल चौक है जिसके बीच में ये होप सर्कस बना है और ये पूरी तरह से अरावली की पर्वत श्रेणियों से ढकी हुई है। चारों तरफ से केवल पर्वत ही पर्वत है। अगर आप कभी होप सर्कस आते हो तो आप यहाँ के कचौड़ी और समोसे का आनंद जरूर लो। ये काफ़ी सस्ते हैं और सुबह का नाश्ता भी अच्छा हो जाता है। आपका नाम क्या है भैया? लक्की रॉयल के स्पेशल हैं ये। Thank you.
भी आपके दिमाग में घूमने का प्लान आता है कि हब सर्कस घूमे तो शायद ठंड का मौसम ज़्यादा बेटर होता है। अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है, मज़ा नहीं आता। अभी हमने होप सर्कस घूम लिया, अब हम सीधे जाएंगे वहाँ पे मुसी महारानी की छतरी और वहीं पे उस पहाड़ी की चोटी पे है बाला किला। देख सकते हो ये सामने जो दिख रहा होगा हिस्सा, ये मुसी महारानी की छतरी वाला हिस्सा है और ये ऊपर जो दिख रहा है ये हिस्सा, ये बाला किला है।